अस्सलाम वालेकुम। आज का ईद का व्लॉग राइट नाउ स्टार्ट हो गया है और हम तैयार होके आ गए हैं और हमारा ईद ड्रेस भी आप देखिए, ये सफायर का ईद ड्रेस है और अभी तैयारियां शुरू हो रही हैं लंच की, तो चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। चलो मीरा जल्दी करो, अनाया आ जाओ ना यार, ईद जल्दी से बना लो। नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ अभी, ज़रा ट्रांजिशन बन रही है भाई। इतनी प्यारी लग रही है येलो कलर के ड्रेस में। और ईमान ये तुम क्या कर रही हो, गेम्स? और ईमान और उरहान ट्विनिंग कर रहे हैं। हेलो उरहान, उरहान क्या कर रहे हैं? दूध पी लो, चलो पियो पियो। और आयरा क्या कर रही है, सेल्फीज ले रही है, है? चलें जी आयरा बोलो। ये बन रही है जी मलाई टिक्का बोटी और इसकी सीफिंग जो हम लगा रहे हैं बीच में, हमने डिजाइनिंग मारने के लिए ना आपको पता है शिमला मिर्च लगाने की कोशिश की, शिमला मिर्च टूटने लगी, तो हमने दोबारा 2 किलो शिमला मिर्च मंगवाई है जस्ट फॉर द डिजाइनिंग। आप पता नहीं क्या डिजाइनिंग ही स्टिक हुई है, नहीं वो नहीं लग रही, टूट रही, शायद हमने छोटी काट ली मे बी। और नीचे क्या बन रहे हैं सर्जी? आए भी आप दिखाते हैं नीचे क्या बन रहे हैं। यहाँ बन रहा है मज़ेदार चिकन का यखनी पुलाव और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी यखनी जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई है और बस अभी इसके अंदर चावल जाएंगे और मज़ेदार सा पुलाव तैयार होगा। और ये क्या चीज़ है मुझे, ये क्या बन रहा है? ये रोश बन रहा, और अच्छा सॉरी ये रोश बन रहा है, ये ईंटा बन रही हैं नहीं, अंदर ईंटा तैयार हो रही हैं। ये जी ईंटे बन रही हैं इसके अंदर, ये क्या वैसे बन रहा है? नहीं ये क्या चीज़ बन रही है? रोस्ट, ब्रोस्ट, अच्छा इसके अंदर ब्रोस्ट बनना है, तो ईंटे क्यों पड़ी हुई अंदर? ईंटा घोल के पानी, अच्छा ईंटे उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। ये रोश है, ये ब्रोस्ट है, और ये जो ईंटे बनी हुई हैं इसके अंदर मिक्स करके डालनी है। और ये बना हुआ है शीर कुरमा। सो राइट नाउ आयरा इज पोजिंग फॉर द फोटो, है ना? चलो जी गुड। एंड यहाँ पर लॉन में तैयारी हो रही है खाने की। ये जी वो सामने बारबेक्यू बन रहा है, अभी खाना खाते हैं तो फिर ताज़ा ताज़ा बारबेक्यू खाएंगे हम। मौसम भी बहुत अच्छा है। लें जी तैयार हो गया है रोश, ईंटें इसके अंदर ही हैं। ये क्या बना है? ब्रोस्ट, ब्रोस्ट तैयार हो गया। ये ब्रोस्ट और ये क्या चीज है? ये बंद पोस्ट है। अच्छा अभी तक बंद है। और ये कोरमा है, उठाएंगे हांडी में पक रहा है, कोला है। और ये जी कुक है जो तैयार कर रहा है ये सारी चीजें घर के अंदर। ये जी मलाई बोटी तैयार हुई है। ये क्या चीज बनी है? जी दम दिया था। तो जी अब ईद का खाना लग चुका है और सब लोग लॉन में ईद के खाने का मज़ा ले रहे हैं। कोई किसी से कोई ख़ास बात नहीं कर रहा बिकॉज खाना इज़ द मेन फोकस राइट नाउ।
अच्छा भाई, हमारे घर में भाई ईद दी लेने के लिए ना पूरा अहतमाम होता है, और अहतमाम के लिए देखें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे घर के सारे बच्चे जो हैं वो लाइन में ईदी के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वन बाय वन इन सबको ईदी मिलेगी, और जो लाइन तोड़ेगा उसको ईदी नहीं मिलेगी। तो देखें सारे बच्चे कैसे बंदे के पुत्र बन के बैठे हुए हैं और ईदी के लिए लाइन लगाई हुई है। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और इन्होंने सबको इस लाइन पर लगाया कि जो लाइन में बैठेगा उसे ईदी मिलेगी, अदरवाइज़ नो ईदी एट ऑल। और ये देखें ईदी की सही रौनक लगी हुई है। ईदी तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, असल तो सबका अपनों का प्यार होता है, सब इस मौके पे इकट्ठे होते हैं और ईदी सेशन चलता है। और मुझे ईद का ये पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, जो ईदी वाला पार्ट होता है। ऑल्दो मुझे तो ईदी नहीं अब मिलती, मेरी तो ईद बड़ी हो गई है लेकिन मेरे बच्चों को ईदी मिलती है, और वही सबसे मज़े का पार्ट होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी ईद जो है वो इसी तरह बहुत खुशियों के साथ और बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और इधर मैं दुनिया से बेनियाज अपनी ट्रांजिशन वीडियो बनाने में मसरूफ़। सो ईद के शाम में हमारा डिनर होता है नानों के घर। तो अभी हम सारे बच्चे जो लेकर हैं नानों के घर आए हुए हैं, मतलब मेरे बच्चों की नानों यानी मेरी अम्मी के घर। तो अभी यहाँ पे भी टाइम स्पेंड हो रहा है, इन्जॉयमेंट हो रही है और सब गपशप लगा रहे हैं। और इसी तरह ईद का दिन जो है वो हमारा बहुत अच्छा, बहुत हैपनिंग और बहुत मज़ेदार गुज़रा। आई विश कि आप सबकी भी ईद इसी तरह ही बहुत इन्जॉयबल और बहुत मज़ेदार गुजरी होगी। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ईद के इस खूबसूरत मौके पे अपनों के साथ अच्छा सा वक्त गुजारें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।